वीडियो बना के क्यों देख नहीं करते हैं। चले तो क्लास टेंथ यूपी बोर्ड, तो बच्चों सोक्रेटिस का पार्ट फर्स्ट हमने अपलोड कर दिया है और आपको समझ में आया भी होगा। तो सोक्रेटिस मैंने आपको पढ़ा दिया है जिसमें पार्ट फर्स्ट मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था आप लोग, ठीक है। तो उसी क्रम में मैं आपको आज पार्ट सेकंड का हिंदी वर्जन बताऊंगा कि कैसे समझना है। तो लेसन सुकरात के बारे में, बहुत ही महान थे सुकरात जी। तो जैसे इसमें बताया गया है कि बट डाल दो लेकिन यद्यपि मेनी पीपल, बहुत से लोग, देखिए मीनिंग आप लोग अटैच करते चले गए हाई स्कूल के सभी बच्चे, बट मतलब लेकिन आल दो यद्यपि मेनी पीपल, लेकिन यद्यपि बहुत से लोग लव्ड द ओल्ड मैन, लव्ड द ओल्ड मैन, उस जो वृद्ध व्यक्ति को चाहते थे, लव्ड मतलब बहुत चाहते थे, प्रेम करते थे, लेकिन फिर भी यद्यपि बहुत से बच्चे ऐसे, बहुत से लोग ऐसे थे जो उस वृद्ध व्यक्ति, किसकी बात हो रही, वृद्ध व्यक्ति की, सुकरात जी की, क्या करते थे, लाइक करते थे, उनको चाहते थे एंड डिलाइटेड, और खुश हो जाते थे इन हिज विजडम, उसकी बुद्धिमानी से, उसकी बुद्धिमता से, उसके माइंड से, उसके तर्कपूर्ण बातों से अति प्रसन्न हो जाते थे। देयर वर सम, लेकिन ऐसे कुछ ऐसे भी लोग थे, देयर वेयर सम, कुछ ऐसे भी लोग थे who did not approve of him, जो सहमत नहीं हुए of him, उससे, जो उसकी बातों से सहमत नहीं हुए, जिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको सुकरात जी की बातें अच्छी नहीं लगती थी। He taught, उन्होंने बताया, उन्होंने पढ़ाया, सिखाया, that कि man's own mind, मनुष्य का खुद का दिमाग, own mind, मनुष्य के खुद का दिमाग, मनुष्य की खुद की सोच, मनुष्य की खुद की विचार, influenced, प्रभावित करते हैं his conduct, उसके आचरण को, मनुष्य के खुद के विचार, मनुष्य के खुद की माइंड ही व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करते हैं ज़्यादातर प्रभावित करते हैं than the gods, देवताओं की तुलना में, देवताओं की तुलना में, ग्रह नक्षत्रों की तुलना में, देवी देवताओं की तुलना में, मनुष्य के खुद की सोच मनुष्य के आचरण को प्रभावित करते हैं। दिस सीम्ड टू सम पीपल, यह बातें लगी, यह लगा टू सम पीपल, कुछ लोगों को यह लगा, अ न्यू एंड बिग आइडिया, एक नया और दुष्ट विचार लगा, कुछ लोगों को ये जो विचार थे, कौन सा विचार, कि मनुष्य के खुद के विचार, मनुष्य का खुद का माइंड ही देवी देवताओं की अपेक्षा ज़्यादातर लोगों के आचरण पर प्रभाव डालता है, ये विचार कुछ लोगों को बिल्कुल नया और बिग्ड लगा, ठीक नहीं लगा या इलीगल लगा, कुछ लगा। ही सेड, उसने कहा कि देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स, देयर वर हायर एंड नोबलर डीस्ट, ठीक है, कि देयर वर हायर, उच्च, हायर मतलब उच्च, एंड नोबलर, और आदर्श कार्य थे, उन्होंने ये बताया कि उच्च और आदर्श कार्य हैं थे, मेकिंग सेक्रीफाइस टू एथेंस, उच्च और आदर्श कार्य, मेकिंग सेक्रीफाइस बलिदान, देन मेकिंग सेक्रीफाइस टू एथेंस, एथेंस पर बलिदान करने की अपेक्षा, एथेंस पर न्यौछावर करने की तुलना में उच्च और आदर्श कार्य ही हैं, एंड द अदर गॉड्स, और अन्य देवी देवता ऑफ ग्रीस, यूनान के अन्य देवी देवताओं की तुलना में। देखो आप समझिए, भाव समझिए, एथेंस पर अन्य देवी देवताओं की को न्यौछावर करने की तुलना में मनुष्य के उच्च और आदर्श कार्य ही हैं, मनुष्य का इस एथेंस के रहने वाले प्रत्येक व्यक्तियों के उच्च और आदर्श कार्य ही देश को महान बना सकते हैं, इस यूनान शहर के देवी देवताओं के बलिदान की तुलना में, ठीक है, के संदर्भ में। एंड मेनी पीपल, और बहुत से लोग थॉट, सोचते थे दैट कि ही वाज लीडिंग, वो गुमराह कर रहे हैं, बहुत से लोग ये सोचा करते थे कि वो गुमराह कर रहे हैं द यंग स्ट्री, युवा पीढ़ी को क्या कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग ऑल, सबसे सवाल जवाब करना, एंड दे हैड बीन टॉट टू बिलीव, एंड दे हैड बीन टॉट, और उन्हें सिखाते थे टू बिलीव, विश्वास करना सिखाते थे, विश्वास करना बताया करते थे, एंड फीलिंग
देयर माइंड्स विद डाउट, और उनके माइंड को, उनके माइंड को, उनके कंप्लीटली माइंड को फिल कर रहे थे, भर रहे थे डाउट से, भ्रम से पर भर रहे थे, बहुत ही भ्रमित कर रहे थे। ऐसा यूनान शहर के कुछ लोगों ने सोचा। कुछ लोगों ने सोचा कि जो सुकरात जी हैं क्या कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सबसे प्रश्न पूछ रहे हैं और उनके माइंड को भ्रम से, डाउट से फुल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए बच्चे, अभी द मेन, ऐसे लोग हु वर गवर्निंग एथेंस, जो एथेंस में शासन कर रहे थे, द मेन हु वर गवर्निंग एथेंस, ऐसे लोग जो एथेंस में शासन कर रहे थे, सम्मंड सेक्रेटरी, सुकरात जी को बुलाया। सम्मन मतलब बुलाना, जो कोर्ट के आदेश के माध्यम से किसी बुलाते हैं उसको सम्मन कहते हैं। ठीक है, तो सुकरात को बुलाए, टू अपीयर, उपस्थित होने के लिए, बिफोर देम, उनके सामने। तो ऐसे लोग जो एथेंस में शासन कर रहे थे, राजा महाराजा लोग, उन्होंने सुकरात जी को बुलाया उनके सामने उपस्थित होने के लिए, एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, और अपना ट्रायल देने के लिए कहा, अपनी सफाई देने के लिए कहा कि आए कोर्ट में उपस्थित हों और ये जो तरह तरह की बातें समाज में उत्पन्न हो रही हैं उसके संदर्भ में अपना विचार रखें। हिज फ्रेंड बेग्ड हिम टू एस्केप, उनके दोस्तों ने बेग्ड, उनसे निवेदन किया, बेग्ड किया, खूब गिलगिलाए, क्षमा याचना किया, टू एस्केप, बचने के लिए। उनके दोस्तों ने सुकरात जी से खूब गिलगिलाया कि आप बच निकलिए, भाग जाइए कहीं, और टू हाइड, अथवा छिप जाइए, अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, जब तक कि ये स्टॉर्म, जब तक कि ये आंधी तूफान हैड ब्लोन ओवर, सह मतलब रुक नहीं जाता, जब तक ये जो हवा चल रही है आपके खिलाफ ये समाप्त नहीं हो जाती, तब तक आप बिल्कुल शांत बने रहिए। बट सोक्रेटिस, लेकिन सुकरात ने, सोक्रेटिस वाज नो कावर्ड, लेकिन सुकरात डरपोक नहीं थे, नो कावर्ड, भीर नहीं थे, डरपोक नहीं थे, ही ने, उन्हें पता था दैट कि ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, उसने कुछ गलत नहीं किया है, एंड दैट ही हैड ओनली टॉट, और जो कुछ भी उसने सिर्फ पढ़ाया है, वॉट ही बिलीव टू बी जस्ट, जो कि वो खुद विश्वास करते थे, न्याय, सत्य और ऑनरेबल, मतलब जो कि वो न्याय, सत्य और सम्मानित महसूस करते थे, उन्हीं को बताया है, एंड सो, और इसीलिए ही वेंट टू द कोर्ट, वह कोर्ट चले गए, इसलिए वो न्यायालय चले गए, कहाँ पे चले गए, कोर्ट में चले गए। हिज क्लॉथ, उनके कपड़े, एंड शूज, और उनके जूते, वर डस्टी, धूल, गंदे थे, एंड ट्रेवल स्टेंड, और बिल्कुल चलते चलते, ट्रेवल स्टेंड एक प्रकार से कह सकते हैं, उखड़ गए थे। बट एवरीवन न्यू, लेकिन हर किसी को पता था दैट कि अ नोबल हार्ट बीट अंडर सैगी गारमेंट्स, कि एक उच्च आदर्श आत्मा, नोबल हार्ट, एक उच्च अंतरात आत्मा बीट अंडर, धड़क रही है अंडर सैवी गारमेंट, इन फटे पुराने गंदे कपड़ों के अंदर, एक आदर्श या उच्च प्रेरणा क्या कर रही है, धड़क रही है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया। ठीक है, अगली का, ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, उन्होंने बहुत ही पावरफुल, बहुत ही विशेष, बहुत ही शक्तिशाली एंड डिग्निफाइड, और अब डिग्निफाइड का मतलब बिल्कुल सोची समझी हुई, डिग्निफाइड बिल्कुल शुद्ध परिष्कृत भाषण दिया, बहुत ही इस वंडरफुल स्पीच दिया। ही टोल्ड एथेनियंस, उसने एथेंस वालों को बताया दैट कि दे वुड गेन, कि वे प्राप्त करते थे नथिंग बाय टेकिंग अप ए लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ, कि वे प्राप्त कर सकते थे, वे प्राप्त कर सकते थे नथिंग, वे कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। उन्होंने एथेंस को बताया कि दे वुड गेन, वे प्राप्त कर सकते थे नथिंग, कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते थे बाई टेकिंग अप ए लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के कुछ वर्षों पीछे चले जाने पर एथेंस वासियों को कुछ भी मिल नहीं सकता था। बट लेकिन दैट की ही वॉज विलिंग टू डाई मेनी डेथ्स, उनको बहुत कई मृत्युओं, देखो ही वॉज विलिंग, उनकी इच्छा थी टू डाई, मरने की, मेनी डेथ्स फॉर वॉट ही बिलीव टू बी राइट, कि वो कई बार मरने के लिए, कई बार मेनी डेथ, कई बार मरने के लिए तत्पर थे, फॉर वॉट, उन सब के लिए ही बिलीव टू राइट, जिसमें वो विश्वास करते थे कि वो सत्य, मतलब वो सत्य के लिए कई बार अपने प्राण न्यौछावर करने को रेडी थे। तो इस प्रकार से इसको हम यहाँ पे इसको भी पढ़ लेते हैं बच्चे। द जज लिसन टू हिम, द जजेज लिसन टू हिम, न्यायाधीशों ने उनकी बातों को सुना, क्वेश्चन हिम, उनसे सवाल किए, एंड कंडेम हिम टू डेथ, और उनको
मृत्युदंड की सजा सुना दिया। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, उस वृद्ध व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, वह अपनी छड़ी के सहारे लीन रहा, झुका रहा, खड़ा रहा। लुकिंग राउंड द राउंड क्राउडेड कोर्ट रूम, न्यायालय में इकट्ठा हुई भीड़ की तरफ वो देखा। प्लेटो एंड हिज अदर पीपल्स, प्लेटो और उसके अन्य शिष्य वर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम, पूरे समय कोर्ट में मौजूद थे। नो एविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, अच्छे व्यक्ति के साथ कोई भी बुराई नहीं हो सकती, कोई भी गलत बात नहीं हो सकती। ही टोल्ड देम, उन्होंने उनको बताया, आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ। आइदर इन लाइफ, ये तो जीवन में भी, ये तो जीवन में या जी मृत्यु के बाद भी, यानी चाहे इस लोक में चाहे उस लोक में। सो बी आर गुड चीयर, हमेशा व्यक्ति को खुश रहना चाहिए, अच्छे बने रहना चाहिए। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ उस लोक पर लोक में। द आवर्स आर माई डिपार्चर, मेरे जाने का जो टाइम है, क्षण है, वो आ गया है, हैज अराइव्ड, आ गया है। एंड वी गो आवर वेज, और हमें अपने रास्तों पर जाना है। आई टू डाई, मुझे मरना है, यू टू लिव, और आपको जीना है। इस प्रकार से उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश देते हुए बताया है। बच्चे, तो यहाँ तक हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे, इसके बाद अगला मैं पार्ट बना दूंगा, तो पूरा लेसन कवर हो जाएगा। तो आप लोग धीरे धीरे पढ़ाई करते रहिए, मैं आपके लिए काम करता रहूँगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप मेरे वीडियोस या इंग्लिश में कहीं पर भी, चाहे टेंथ में पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे ट्वेल्थ में पढ़ने वाले बच्चे हों, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे चैनल पर कमेंट करें या इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।